प्रकाश पर्व दीपावली की पूरे प्रदेशवासियों को हृदय से बधाई। यह पर्व भारत की सनातन धर्म की परंपरा का एक महत्वपूर्ण पर्व है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के 14 वर्ष के वनवास के उपरांत अयोध्या आगमन की स्मृति में आज से हजारों वर्ष पहले पूरे देश ने, पूरे आर्यावर्त ने, पूरे भरतखंड ने दीपमालाओं से अपने अपने घरों को सजा करके मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के आगमन और राम राज्य के शुभारंभ की स्मृति स्वरूप इस पर्व को मनाना प्रारंभ किया। यह हमारा सौभाग्य है कि उत्तर प्रदेश मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पावन जन्मस्थली भी है और अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की इस पावन जन्मस्थली पर अब प्रधानमंत्री मोदी जी के पहल पर भव्य मंदिर निर्माण की कार्रवाई भी आगे बढ़ रही है। यानी दीपावली का यह पर्व अनेक प्रकार से हमारे लिए आनंददायक है, शुभदायक है, मंगलदायक है। इस अवसर पर पूरे प्रदेशवासियों से मेरी अपील है, अयोध्या का दीपोत्सव का आयोजन आज देश और दुनिया का एक महत्वपूर्ण आयोजन हो चुका है। अयोध्या में इस वर्ष दीपोत्सव पर 9,00,000 दीपक प्रज्वलित होंगे। ये 9,00,000 उन घरों का प्रतीक है जिन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में गृह प्रवेश अब तक कराया जा चुका है। हमारा प्रयास होना चाहिए कि प्रदेश के अंदर अब तक हम 43,00,000 गरीबों को ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में आवास उपलब्ध करवा चुके हैं। मेरी अपील होगी प्रदेश के अंदर सभी माननीय जनप्रतिनिधियों से, माननीय सांसदगण, माननीय विधायकगण, महापौर, जिला पंचायत के अध्यक्षगण, ब्लॉक प्रमुखगण, नगर निकायों के चेयरमैन, पार्षद, ब्लॉक प्रमुख, ग्राम प्रधान, जिला पंचायत के सदस्य, क्षेत्र पंचायत के सदस्य, ग्राम पंचायत के सदस्यगण, इन सब की संख्या प्रदेश के अंदर 8,00,000 से अधिक है। ये 8,00,000 लोग अगर ठान लेंगे तो प्रदेश के अंदर हर व्यक्ति के घर में, हर वंचित, हर गरीब परिवार के घर में भी दीपावली का यह पर्व उत्साह और उमंग के साथ मनाया जा सकता है। वे सब एक एक घर को एडॉप्ट करें और उन घरों में भी दीप प्रज्वलन करने और दीपावली की मिठाई उन घरों तक पहुंचाने में अपना योगदान दें। उन परिवारों में रह रहे बच्चों को भी दीपावली का उपहार दें। प्रदेश के अंदर हमारे पास 16,50,000 सरकारी कर्मचारी हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस बल के पास 4,00,000 की पुलिस फोर्स है, यानी 20,00,000 से अधिक हमारे पास सरकारी कर्मी और अन्य हमारे पास वे कर्मचारी हैं जो सरकार की व्यवस्था के साथ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं। उन सबसे भी मेरी अपील है कि वे एक एक परिवार के पास कम से कम एक कर्मचारी या एक जनप्रतिनिधि एक परिवार को इस अवसर पर गोद में लेकर के अपनी दीपावली की खुशी उस परिवार के साथ जरूर बांटे, जिससे दीपावली हर घर तक पहुंचाई जा सके, हर परिवार को इस खुशी के साथ जोड़ा जा सके। दीपोत्सव यानी प्रकाश पर्व, दीपोत्सव दीपावली का यह पर्व
पूरे प्रदेश वासियों के लिए मंगलमय हो। प्रभु राम की श्री कृपा आप सब पर बनी रहे, इस विश्वास के साथ दीपावली की मंगलमय शुभकामनाएं आप सब के प्रति, पूरे प्रदेश वासियों के प्रति मैं व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद।